नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आसाराम बापू समेत तीन लोग दोषी करार, आज सुनाएगी अदालत अपना फैसला। कर्नाटक के पूर्व एमपी के विरूपक्षपा ने सिद्धरमैया से की मुलाकात, हाल ही में बीजेपी से तोड़ा था नाता। कठुआ गैंगरेप केस में नाबालिग आरोपी को कठुआ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया गया पेश, अगली सुनवाई 7 मई को। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दो दिवसीय मंगोलिया दौरे पर, मंगोलिया और भारत के साथ समझौते पर किया हस्ताक्षर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मौत की सजा देने के लिए फांसी का ही इस्तेमाल जारी रहेगा, क्योंकि जानलेवा इंजेक्शन देकर या गोली मारकर मौत की सजा देना भी उतना ही पीड़ादायक होगा। सीबीआई ने भारतीय सेना के 17 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया, सेना में धार्मिक टीचरों की नियुक्ति में धांधली का आरोप। यूजीसी ने 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है, इनमें से 8 फर्जी विश्वविद्यालय देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की रिहाई पर लगी रोक, दिल्ली के मंत्री ने उठाया था सवाल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ के बाद अब तक 31 नक्सलवादियों के शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद। आईपीएल 11 का 24वां मैच आज बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में शाम 8 बजे से खेला जाएगा। मुकाबला विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स और बेंगलोर और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा।